गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हो आप सब स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर तो अगर अब आप, आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए जिस तरह से हमारी फैकल्टी टीम पूरी मेहनत कर रही है उस हिसाब से अगर आपको ये वीडियोस ये सीरीज़ ये ऑनलाइन ट्यूशंस पसंद आए तो आप इस ऐसे वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें और अपने मित्रों को अधिकाधिक संख्या में बताएँ देखो क्या होता है इसका फ़ायदा क्या कि आपके दूर दराज के गांव में आपके मित्र रह रहे हो ठीक है तो आजकल आप, आपको पता है इंटरनेट सब जगह तो हर बच्चा पढ़ सकता है देखो हर बच्चा बड़े शहरों में आके पढ़ नहीं सकता लेकिन हर बच्चा जो है ऑनलाइन पढ़ सकता है उसका टैलेंट जो है वो अपने टैलेंट को निखार सकता है निश्चित रूप से गाँवों में आपको पता है कि पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा कम रहता है माहौल नहीं है लेकिन पढ़ने की लगन बहुत है और लगन के साथ मटेरियल मिल जाए तो बच्चा अपने रिजल्ट में डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है और ये हमारा पिछले आठ वर्षों का अनुभव है आठ वर्षों से हमारी टीम की मेहनत है जो हम कंटिन्यू टॉपर्स दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर टेंथ बोर्ड ट्वेल्थ टॉप ट्वेल्थ बोर्ड में भी शानदार रिज़ल्ट दे रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न यही है कि अनुभव ठीक है तो अनुभव बहुत है अपने शिक्षकों का अब देखिए हमारे शिक्षकों का अनुभव का आप फायदा उठाइए और अपने अन्य मित्रों को भी इसके बारे में बताइए अब बच्चों देखो उदाहरण है एक पॉइंट सात क्या है एक बिंदु आवेश है जो दो कुल का है ये उसके पॉइंट है और एक अन्य आवेश है Q2 उसके पॉइंट ये है पर अवस्थित है Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो देखो यहाँ सवाल में ध्यान देने वाली बात है अगर आप करोगे रट्टाफिकेशन वाला मेथड मैं कभी भी सवाल है मैं तो देखो क्लियर बोलने वाला आदमी हूँ रटा मेरे खुद से नहीं जाता ठीक है तो मैं उम्मीद भी नहीं करता कि बच्चे उसको रटें ठीक है जितना हो सूत्र वूत्र है लिमिट में याद करें और आगे बढ़े तो मैं बनाऊंगा भाई इसका चित्र ठीक है मैं रफ एक चित्र बनाऊंगा उसी से मैं इसको करने की कोशिश करूंगा तो देखो आपको पता है कि दो कॉमा एक ध्यान से देखना तो एक दो और एक यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ठीक है और माइनस दो चार माइनस दो और चार यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ठीक है यहाँ पे कितना है दो कुल यहाँ पे कितना है माइनस का पाँच को लॉन्ग और ये जो है मूल बिंदु से ठीक है और जो पहला Q1 है और ये है Q2 है और मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैंने बोल दिया R1 और इसको बोल दिया मैंने R2। अब क्या लिखा हुआ है इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कुछ ये है ठीक है अब इसने क्या बोला कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल बल किसका है Q2 का है जिसका बल होता है वो पहले आता है जिसके कारण होता है वो बाद में आता है आपको पता है तो F21 निकालना अपने को तो देखो निश्चित रूप से दोनों समान है तो क्या आएगा आकर्षण बल आएगा F21 इधर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब इन दोनों के निर्देशांक दे रखे इसका निर्देश है दो इंटू और इसका निर्देश है माइनस दो, एक, है दो क्लियर ये बिंदु बोल दो ए और ये बिंदु बी तो अपन सीधा कह सकते हैं कि ए तथा बी के बी के बीच का विस्थापन बीच विस्थापन कितना होगा दूरी है सीधी बात है विस्थापन संख्या है तो क्या है कुछ किसी को भी ले लो तो मैंने लिख दिया सुनना विस्थापन कितना है आर मान लो तो मैंने लिखा दो माइनस माइनस दो क्या होता है x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर सूत्र याद है ना x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर का अनरूट और आपको पता है आना तो प्लस ही है भले x1 वन माइनस एक्स करो या एक ही करो तो मैंने इसको माइनस उससे किया और इसका होल स्क्वायर किया प्लस इसको माइनस वो किया और मैंने किया होल स्क्वायर और कोई फर्क नहीं पड़ा और अनरूट कर दिया तो ये आ गया दो प्लस दो चार चार का स्क्वायर कितना हुआ सोलह ठीक है प्लस ये आ गया माइनस तीन तीन का स्क्वायर आ गया नौ माइनस तीन का स्क्वायर आया नौ और ये आ गया पच्चीस का और पच्चीस होता है आपको पता है कितना पाँच तो विस्थापन कितना आ गया भाई प्यारे बच्चों पाँच आ गया मेरे हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से कितना आ गया भाई पाँच आ गया ठीक है इसने पूछा बल ज्ञात करो तो बल अपन ज्ञात कर लेंगे दिशा भी दे देंगे मैं मेरे मेथड से कर रहा हूँ तो ये आ गया पाँच कर लो क्या होगा ए बराबर के क्यू वन क्यू टू आकर्षण होगा ये तो पता ही है चलो पहले परिमाण तो ज्ञात कर ले नौ इंटू दस की घात नौ ठीक है और नौ इंटू दस की घात नौ एक इतना है दो दो दूसरा कितना है पाँच माइनस है पर परिमाण ले रहे हैं, और पाँच का स्क्वायर तो नौ इंटू दस की बात नौ इंटू दो इंटू दस बट्टा पच्चीस ठीक है तो हो जाएगा नब्बे बट्टा पच्चीस इंटू नब्बे बटा पच्चीस इंटू दस की बात नौ उसको और सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा अट्ठारह और ये आ जाएगा पाँच इंटू दस की बात नौ पाँच तीन पंद्रह पाँच छंग तीस परिमाण अगर पूछे तो आप सीधा सीधा उत्तर इतना निकाल सकते हो परिमाण की दृष्टि से सीधा सीधा उत्तर आप इतना निकाल सकते हो लेकिन अगर सदिश रूप में करना है सुनिएगा ध्यान से अगर सदिश रूप में करना है तो कैसे करेंगे तो इसकी कहानी कुछ थोड़ी सी अलग होगी ठीक है तो देखो मैं दोनों ही बता रहा हूँ मैंने एक अगर सीधा पूछते लगाया गया बल याद करो क्यू टू पर क्यू वन द्वारा लगाया गया बल या दोनों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल तो ये आ जाएगा अब अपन बात करते हैं सदी स्वरूप की जो अपन ने पढ़ा था ठीक है तो देखो अगर ये आर टू है और मैंने इसको अगर डेल्टा आर बोल दिया ठीक है क्लियर तो ध्यान से सुनिएगा ये आर टू है और प्लस डेल्टा आर है ज नियम से तो ये हो जाएगा आर वन तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा आर वन माइनस आर टू अब आप कहोगे सर ठीक है और ये जो दिशा है ये एफ टू वन की है तो अब जो एफ टू वन है वो आर वन टू दिशा में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा अब देखो मैं क्या कह रहा हूं अब आर वन माइनस आर टू आर वन टू आ गया अब मैं कह रहा हूं कि आर वन टू की दिशा भी यही है किसकी दिशा आर वन टू की दिशा भी यही है और एफ टू वन की दिशा भी यही है तो सर जब आपने डेरिवेशन कराया था तब तो एफ टू वन की दिशा और आर टू वन की दिशा एक थी अब आर वन टू की दिशा कैसे है तो बेटा आर वन टू की दिशा तो पहले भी यही थी अब भी यही है मान लो ठीक है लेकिन पहले प्रतिकर्षण बल था तो बल उधर लग रहा था तो दोनों की दिशा विपरीत थी समझ आ रही बात अब क्या है दोनों आवेश अलग अलग है विपरीत प्रकृति के इसलिए अब अब क्या अब आकर्षण है पहले प्रतिकर्षण था तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन ने कर दिया आर वन टू क्लियर आर वन माइनस आर टू आर वन टू अब मैं कर देता हूं एफ टू वन के क्यू वन का परिमाण क्यू टू का परिमाण बट्टा आर वन टू कैप कोई दिक्कत नहीं है और नीचे दूरी भले कोई भी ले लो आर वन टू ले लो टू वन ले लो बराबर ही होती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कुछ भी ले लो मैं आर वन टू का स्क्वायर कर लेता हूँ ठीक है ये अपना उत्तर है तो इसके लिए मुझे आर वन टू निकालना पड़ेगा आर वन टू कैसे निकालूंगा आर वन आर वन ये है वन कितना हो जाएगा टू आई माइनस टू आई प्लस जे वन ये हो गया आर वन इसका सदस्य क्या होगा टू आई और वन जे इसका क्या हो जाएगा माइनस का टू आई प्लस का फोर जे और दोनों को कर देंगे माइनस तो आर वन टू अभी तक आ रहा है चल रहा है तो ये आ जाएगा टू आई और ये हो जाएगा प्लस का टू आई इसको पूरा खोल देते एक बार टू आई प्लस का जे देखो सदिश वाले में यही थोड़ा सा लफड़ा रहता है कि आई जे में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो सारा गड़बड़ हो जाता है फोर आई माइनस तीन जे ये कितना है आर वन टू है तो बस हो गया और आर वन टू है और आर वन टू का परिमाण कितना आएगा परिमाण आपको पता है कितना आएगा एकांक सदिश है ये आर वन टू है तो आर वन टू का एकांक सदिश चाहिए तो वही ले आते हैं पहले आर वन टू का मॉड ले आते हैं तो आर वन टू का मॉड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों तो हो जाएगा चार का स्क्वायर प्लस माइनस तीन का स्क्वायर का हंड्रूड ये हो जाएगा सोलह प्लस नौ और ये हो जाएगा पच्चीस और ये वापस हो जाएगा पाँच तो देखो आर वन टू का मान कितना आ गया पाँच ध्यान से देखिएगा लेकिन यहाँ पे सदिश तो है नहीं एकांक सदिश है तो मैं यहाँ पे अब लिख अब हल करता हूँ इसको ठीक है देखो नौ इंटू दस की घात नौ कोई दिक्कत नहीं दो कुल पाँच को लो माइनस एच तो चलेगा आर वन टू आर वन टू आर वन टू को मैं क्या लिखूँ पाँच का स्क्वायर इन टू आर वन टू कैप तो आर वन टू कैप आपको बताए क्या होता है इसको थोड़ा सा और अगर आप चाहो तो मैं किताब के तरीके से करना चाहूँ सीधा आर वन टू क्या होता है आर वन टू बताना पड़ेगा भाई इधर बताता हूँ आर वन टू कैप कितना होता है आर वन टू सदीस बट्टा आर वन टू का मॉड ये होता है एकांक सदिस सदिस बट्टा सदिस का परिमाण तो देखो सदिस तो कितना है चार आई माइनस तीन जे और इसका परिमाण कितना है पाँच तो जब अपन इसको हल करेंगे जब इसको हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा आंसर क्या आएगा नौ और ये हो गया दस नीचे हो गया पच्चीस तो ये हो गया नब्बे इंटू दस की घात नौ बट्टा एक सौ पच्चीस इंटू चार आई माइनस तीन जे और ये कैप कैप लगा देना भाई ये टोपिया पहना देना आप ठीक है तो ये हो गया अब नौ सौ बट्टा एक सौ पच्चीस करें देख लो भाई ठीक है तो ये हो जाएगा 900 सौ इंटू दस मतलब इसको हल कर लेना आप आगे आ जाएगा आंसर किताब के आंसर से आंसर मैच नहीं करेगा बुक से मैच नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा ये भी बता दूं। ये आंसर बुक से बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा देखो क्यों इसलिए नहीं करेगा अभी बता दूँ अभी जादू देखो क्योंकि देखो ये दो और ये खाली स्थान है अपन ने दो कुलों माना है पांच कुलों माना है एक्चुअल में यहाँ पे माइक्रो है एक्चुअल में यहाँ पे माइक्रो है तो अपने को तो जो दिया हुआ था ना अपन ने बेटा वो हल किया देखो अपने तो ऐसा है नहीं कि रट्टाफिकेशन मारा इज इट इज अपने को जो दिया हुआ था, था क्वेश्चन में ये मा, माइक्रो प्रिंटेड नहीं था इसलिए माइक्रो नहीं हो तो बिना माइक्रो के अपने हल कर दे यही आंसर आएगा अब माइक्रो के साथ आप करोगे तो आपका आंसर किताब के एज इट इज़ मैच हो जाएगा इतना आप देख लो अभी आगे आपको गणना करनी है इतनी गुणा भाग आपको आती है मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में आ गया ये एक मेथड मैं बता दूं ये मेथड जब सिर्फ परिमाण ज्ञात करना हो तो मैंने आपको एक बता दिया था कि बल ये न्यूटन में आ गया क्लियर फिर जब सदिश फॉर्म में बताना था तो मैंने ये सारा आपको बताया ठीक है ये सारा आपको बताया आर वन टू तक फिर ये सूत्र लगाया ये हल किया और अंत में ये जो मात्रक है इसका न्यूटन रहेगा ये आपको ध्यान रखना है बस इसके साथ आगे चलते हैं अगले सवाल में मेरे हिसाब से जल्दी से देख लो चलो एक बार जल्दी से इसको देखो थोड़ा सा कठिन जरूर है क्योंकि इसमें दिशाएं लेनी है बाकी ज़्यादा तकलीफ नहीं है क्यों नहीं है वापस देख लो मैंने कहा भाई टू पर एक के कारण बल आकर्षण लगेगा तो बल मैंने इधर लगाया भाई ये वाला इसको खींचेगा ना तो एफ टू वन इधर लग रहा फिर मैंने क्या किया त्रिभुज नियम आर टू इसको मैंने डेल्टा आर मान लिया मैं हमेशा ऐसे ही मानता हूँ तो मैंने इसको माना आर टू और ये डेल्टा आर आर टू डेल्टा और परिणामी कितना हो गया आर वन और जब ये आर टू उधर गया तो आर वन माइनस आर टू और जब आपको बताया वन माइनस टू होता है तो आर वन टू हो गया आर वन टू है तो मैंने आर वन का मान रखा यहाँ से बना के सदिश रूप में टू है तो टू आई और वन है तो वन जे ये एक्स होता है ये वाई होता है सीधी सी बात है और ये कितना है टू है तो ये आई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जे हो जाएगा तो मैंने इन दोनों को माइनस किया माइनस किया तो ये सदिश आ गया ये सदिश आने के बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए ये सदिश आ गया ये सदिश आने के बाद मैंने इस सदिश का परिमाण निकाला परिमाण कितना आया पाँच पाँच आया और फिर मैंने एकांक सदिश की बात करी एकांक सदिश क्या होता है सदिश बट्टा उसका परिमाण तो ये सदिश और इसका परिमाण तो मैं यहाँ रखूँगा तो जब मैंने यहाँ रखा तो मैंने रखा पहले तो के का मान फिर मैंने रखा क्यू वन का मान और फिर क्यू का मान मैंने माइक्रो नहीं लगाए बिना माइक्रो के किया है अब माइक्रो के साथ करोगे आंसर आ जाएगा मेरे को सवाल में दिए हुए नहीं थे इसलिए मैंने माइक्रो नहीं लगाया भाई आर वन टू आर वन टू का मान निकल जाए पाँच तो पाँच का स्क्वायर हो गया अब ये ये सदिस और ये पाँच ये एज इट इज़ उठा के आर वन टू की जगह रख दिया फिर इसको सॉल्व किया तो ये कुछ आ गया ऐसा ठीक है मेरे हिसाब से ये इस सवाल हो चुका जल्दी से और देख लीजिए बढ़ते हैं अपन आगे कौन सा हो गया उदाहरण अरे फटाफट यह सवाल थोड़ा पूरे चैप्टर का वन ऑफ द टिपिकल सवाल माना जा सकता है इसको तो अपन इसको ऐसे साइड में जचा देते हैं अब आ जाते हैं अपन अपने काम पे क्या सवाल क्या है बेटा ध्यान से देखिए दो छोटे बिंदुवत गोले है। छोटे हैं बिंदुवत गोले हैं प्रत्येक का द्रमान दो ग्राम है दोनों का द्रमान दो ग्राम है उभयनिष्ठ बिंदु से कुचालक धागों से बंधे हुए इनकी प्रत्येक की लंबाई धागों की लंबाई कितनी है चालीस सेंटीमीटर है लटकाए गए दोनों गोलों में आवेश कैसा है बेटा समान है तथा साम्यवस्था में इनकी बीच की दूरी कितनी है चार सेंटीमीटर है तो प्रत्येक गोले पर आवेश याद करना है आवेश चलो सवाल को एक दो बार पढ़ लेना चाहिए अब बढ़ते हैं आगे चित्र ये कौन है बेटा ठीटा ये कौन मान लो ठीठा इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये है चार सेंटीमीटर तो मैं इसको मान लेता हूँ डी डी ये डी बाई टू हो गया और ये भी डी बाई टू हो गया टोटल दूरी है डी और डी है चार सेंटीमीटर रस्सी की जो लंबाई है एल ये है चालीस सेंटीमीटर ये जो दिया हुआ है मैंने चित्र में बना लिया ठीक है बच्चों आवेश दोनों समान है तो मैंने दोनों को क्यों बना दिया और दोनों के द्रमान भी एम है तो एम भी समान है समान प्रकृति के हैं बच्चों तो ये क्या करेंगे ये करेंगे प्रतिकर्षित तो अब इस पर बनाएंगे बल तो आप आ जाओ इलेवंथ क्लास में साम्य अवस्था वाले चैप्टर में तो देखो यहाँ से लगेगा तनाव तनाव हमेशा तनाव बल हमेशा पिंड से दूर की तरफ लगता है तो यहाँ से तनाव बल लगा इधर ठीक है तो एक तो तनाव बल लग गया तो बल कौन कौन से लगेंगे पहले देख लो एक तो तनाव एक लगेगा गुरुत्वीय बल एम जी तनाव बल पिंड से दूर एम जी हमेशा नीचे की ओर तीसरा कौन सा स्थिर विद्युत बल ठीक है जो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा तो दूर की तरफ लगेगा क्योंकि आवेश समान है तो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा तो ये लगा दिया दूसरा लगा दिया एम जी नीचे की ओर और, और तीसरा प्रतिकर्षण वाला बल मैंने लगा दिया इधर दोनों में तो ये बल कितना हो जाएगा के क्यू क्यू बराबर है तो क्यू स्क्वायर बटा दोनों के बीच की दूरी डी का स्क्वायर ये लग जाएगा बल देख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हो गया तीन बल लगा दिए अब बलों की साम्य अवस्था से देखें तो ध्यान से देखेगा अब ये तो देखो निर्देश तंत्र में आपको पता है कि कोई भी चीज़ निर्देश तंत्र में होती है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन बीच में कोई होता है आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ निर्देश तंत्र में होती है तो कोई दिक्कत नहीं है जब बीच में होता है तो उसके क्या करते हैं घटक लेते हैं तो यहाँ पे आ जाओ टी के लेने पड़ेंगे अपने को घटक तो एक घटक जाएगा इधर और दूसरा घटक जाएगा इधर और अगर ये ठीठा है तो निश्चित रूप से ये ठीठा है और अगर ये ठीठा ये टी है तो ये हो जाए टी का कॉस्ट ठिठा क्योंकि okay, आपको बच्चों मैंने पहले सिखाया है कि ठीठा के पास की बुझा हमेशा कॉस्ट ठिठा होती है और दूसरी तरफ वाली क्या होती है टी का साइन ठीठा अब ये साम्यावस्था में किसमें है भाई साम्यावस्था में तो प्यारे बच्चों जब साम्यावस्था में तो ये बल बराबर होंगे और ये बल बराबर होंगे तो मैं लिख सकता हूँ टी साइन ठीठा जो है बेटा वो के क्यू स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर होगा और बेटा टी का कॉस्ट हिटा जो है वो एम के बराबर होगा यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है फिर क्या करेंगे भाग मिलकर भाग करेंगे एक को दो से भाग देंगे तो टी का साइन ठीठा बट्टा टी का कॉस्ट ठीठा ध्यान से सुनिएगा बच्चों ध्यान से सुनिएगा अभी देखो फिजिक्स में जादू होगा जादू गिली गिली छू वाला जादू होगा देखो और बट्टे में मैंने लिख दिया एम भाग दे दिया से टी कटा तो ये आ गया टेन थीटा प्यारे बच्चों अब इधर देखिए. जब ये आ गया टेंट थीटा तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर एम जी आएगा तो मैंने कुछ किया नहीं दोनों के बीच की दूरी D थी तो बल लगा के क्यू स्क्वायर क्यू क्यू बट्टा दोनों के बीच की दूरी D का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं मैंने किया देखो तनाव लगा टी के दो घटक ले लिए एम तो नीचे लगेगा और इन दोनों में प्रतिकर्षण बल है तो इधर लगेगा के क्यू स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर के दो प्रकार के होते हैं बता दूं एक छोटा के जो इतना होता है और एक बड़ा के जो परावैद्युतांक होता है ये मैंने बता दिया आपको गलती नहीं करनी है ध्यान रखना अगर बच्चों की गलती <laughs> तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इतनी मेहनत सब पानी पानी हो जाएगी अब बच्चों इधर ध्यान से देखिए यहाँ पे एक शर्त है क्या है कि ये है चालीस सुनना एक त्रिभुज की बात करूँ इस त्रिभुज में सुनना इस त्रिभुज में मैं बात करूँ जब ये है चालीस तो ये डी कितना है चार बहुत कम है तो हम कह सकते हैं क्योंकि, सुनना चूँकि डी बहुत कम है एल से इसलिए टेन थीटा को थीटा मान सकते हैं आपको पता है जब कौन अल्प होता है जब कौन अल्प होता है मतलब ये डी बहुत कम है तो ये कौन बहुत कम होगा जब ये डी बहुत कम है तो ये कौन बहुत कम होगा जब कौन बहुत कम होगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अतः कौन अल्प है तब टेन थीटा आपको बताया जब कौन अल्प होता है तो टेन थीटा थीटा होता है और थीटा साइन थीटा भी हो सकता है देखो आपको पता है कि टेन थीटा थीटा अल्प होते हैं जब कौन जब कौन अल्प होते हैं मैं वापस बता दूं जब कौन अल्प हो अति अल्प होता है अल्प हो या अति अल्प हो तो क्या होता है साइन थीटा थीटा हो जाता है टेन थीटा भी थीटा हो जाता है मैं ग्यारहवीं कक्षा में बता चुका हूँ ये वापस भी देख लो और कॉस्ट थीटा कितना हो जाता है एक हो जाता है ये हो जाता है मानना पड़ेगा भाई कैसे होता है क्योंकि इनकी श्रेणियाँ होती है जब लिमिट पढ़ते हैं बारहवीं कक्षा ग्यारहवीं बारहवीं में जब भी मैथ्स में तब देखते हैं बायोलॉजी वालों आपको इतना मानना है कि ये कौन जो है अति अल्प होते हैं टेन थीटा थीटा होता है साइन थीटा थीटा होता है और कॉस्ट थीटा एक हो जाता है ये आपको मानना है बच्चों ये आपको मानना है क्लियर कभी भी गणना हो यह काम जरूरत पड़ेगी इसकी ये अपने ग्यारहवीं में इसको इस्तेमाल किया और बारहवीं में भी इसको इस्तेमाल करना है, इसको 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 करना है। अब बच्चों इधर आ जाओ इनकी श्रेणिया होती है मैंने बताया सीमा जब लिमिट पढ़ते हैं गणित में तब वहां से इनका एक्सप्लेनेशन होता है अपने कार्य क्षेत्र में इतना कोई जरूरी अभी ये नहीं है तो टेन थीटा थीटा होता है और टेन थीटा थीटा होता है और थीटा साइन थीटा होता है इस हिसाब से किताब वाले ने ऐसे इसको माना है अब जब इसको मैं लिख दूंगा टेन थीटा की जगह साइन थीटा अब साइन थीटा का मान कितना है त्रिभुज में आ जाओ तो जब साइन थीटा का मान निकाला तो साइन थीटा कितना होता है बताओ लंब बट्टा कण या आधार कण बताओ जल्दी से बताओ क्या होता है लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण यहाँ तक भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए लंब कितना है डी बट्टा दो कर्ण कितना है एल तो ये हो जाएगा डी बट्टा दो बट्टा एल अब प्यारे बच्चों अब अपना उत्तर आ गया बस तो अपना ये आ गया और साइन थीटा से ये आ गया ठीक है साइन थीटा वगैरह ये था साइन लंब लम्बट्टा कर्ण और लंब बटा कर्ण को लंब और कर्ण चित्र से निकाल दिया थीटा है तो लंबी है कर्ण एल है अब आपको यहाँ से क्या निकालना है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए तो आपको क्यों निकालना है बाकी सबको एक तरफ ले जाना है बस हो जाएगा क्या हो जाएगा डी बट्टा दो एल इधर फिर से आ गया डी स्क्वायर एम जी बट्टे में आ गया के और इधर है क्यू और इसका कर दिया अपने अनरूट क्लियर ये भाई अपना आंसर आ गया अब अपन इसमें क्या करेंगे रखेंगे मान और मान सम्मान के लिए डी डी कितना हुई चार चार सेंटीमीटर मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं सुनना चार इंटू दस की घात माइनस दो मीटर हो गया घात कितनी होगी टोटल तीन ए, दो एक और दो तीन मास, मास कितना है दो सौ ग्राम तो दो सौ थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि अपने को जगह मिल जाए दो सौ ग्राम मतलब किलोग्राम हो गया जी होता है नौ पॉइंट आठ टू लंबाई कितनी थी चालीस सेंटीमीटर तो उसको लिखा मैंने चालीस और सेंटी को मैंने लिखा पूरा सेंटी के के तो होता है नौ इंटू दस की घात नौ अब उसको किया अपन ने रूट अब ऐसे सवाल का हल भी अपन निकालेंगे पूरा सॉल्व करेंगे देखो क्या आता है थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना लेता हूँ क्यों बराबर चार इंटू चार इंटू चार चार इंटू चार इंटू चार दस की घात माइनस का छः दो सौ इंटू दस की घात माइनस का तीन नौ पॉइंट आठ दो इंटू चालीस इंटू दस की घात माइनस दो नौ इंटू दस की घात नौ और अब इसको अपन फटाफट करेंगे हल कर ले लेते दूसरा देखो देखो एक चार से एक चार गया क्लियर देखो एक चार से एक चार गया एक दो से एक दो गया तो ये तो बच गया सौ और ये बच गया दस ठीक है अब क्या जाने वाला और नौ से लगभग ये नौ ही काट दो ख़त्म करो उसको ठीक है अब अपना बचा क्या ये दो चार तो दो चार में से अपने एक तरीके से एक चार आ गया बाहर इसको भी निपटा दिया अब घाते जोड़ते हैं ठीक है घाते हो गए माइनस छः माइनस छः में से और ये हो गई माइनस तीन ये हो गई माइनस का नौ माइनस को दो माइनस के नौ में से दो गई माइनस का सात माइनस का सात और ये दो ऊपर आ गई माइनस का सात और वापस हो गया माइनस का नौ और माइनस का नौ और ऊपर फिर ये आ गई कितनी दस की घात दस माइनस दस तो ये हो गया उन्नीस तो ये लगभग दस की गात माइनस उन्नीस के करीब कुछ चार इंटू दस की गात अंडूट नहीं इसके ऊपर क्योंकि चार तो बाहर आ गया दस की घात माइनस उन्नीस ठीक है जल्दी देखिए इसको घाते जोड़ लेते एक बार ये उन्नीस हो गया उन्नीस में से अगर, अगर अपन दस की घात दस लिखेंगे चलो इसको अपन थोड़ा सा साइड में ले जाके और करते हैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं फिर वापस ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं इसी को हल करते हैं ये अपना हो गया इसको अपन एक मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं अब इधर देखो थोड़ा खुली जगह मिल जाएगी तो सॉल्व करना आसान होगा चार इंटू चार इंटू चार क्यूब है दस की घात हो गया माइनस छः कोई दिक्कत नहीं है दो सौ भी कोई दिक्कत नहीं है दस की घात माइनस तीन में भी कोई दिक्कत नहीं है और नौ पॉइंट आठ में भी कोई दिक्कत नहीं है बट्टा दो सौ ग्राम किलो कर दिया इसको दो चालीस सेंटीमीटर और नौ इंटू दस की घात नौ और ये सब है अंड रूट में अब अपन इसको करते हैं काटा काटी तो कैसे काटेंगे दो से दो गया यह है छ तीन कितना हुआ नौ ठीक है नौ और ये हो गया ये तीन जीरो से तीन जीरो काट दे, चलो ये दस मान लेते इसको तो दस की घात छः ही बची अब वापस आ जाओ ये कितना बचा दस की घात माइनस एक ठीक है दस की घात माइनस एक और माइनस एक और इससे एडजस्ट हुआ तो ये कितना है दस की घात आठ ये दस की घात आठ जब ऊपर जाएगी हाँ अब आ गया ना सही और ये चार से चार कट गया तो देखो चार इंटू चार अब ऐसा है नहीं? नहीं कि इसको रट सकते हैं ये माइनस छः और ये माइनस आठ बाकी सब समाप्त हो चुका नीचे बचा हुआ सिर्फ नौ और ये अनरूट तो ये आ जाएगा चार इंटू चार इंटू दस की घात माइनस चौदह बट्टा तीन इंटू तीन का अनरूट तो अपना आंसर आ जाएगा चार बट्टा तीन इंटू दस की घात माइनस सात ये आ गया देखो क्लियर और अंत में मात्रक जरूर लिखना सी तो इस तरह से अपना अंतिम जो आंसर है सवाल को पूरा तरीके से रखा जाए तो अपना आंसर जो है चार बट्टा तीन इंटू दस की घात माइनस सात कुल निकल के आया चलते हैं अगले सवाल की तरफ ध्यान से देख लो एक बार देखना हो तो नहीं तो रिवाइज़ करो तब देख लेना इंपॉर्टेंट सवाल है कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ध्यान रखना ऐसा होता एक सवाल किताब के पीछे भी दिया हुआ है समय नहीं है थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन को दोबारा भी आप देख सकते हो तकलीफ नहीं आएगी ये आपको मानना पड़ेगा कि टेन थीटा थीटा होता है और थीटा को साइन थीटा ठीक है पीछे किताब के पीछे भी सवाल है उसमें भी ऐसा माना गया है तो ये नॉर्मल सी चीज़ है फिजिक्स में इतना माना जाता है अब अगला है नौ ई और चार ही बिंदु परस्पर आठ दूरी पर स्थित है एक अन्य आवेश की उन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि, रखे कि वह संतुलन में रहे कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे ऐसा सवाल मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ क्लास में करवा चुका हूँ मैं आपको बता दूँ एक बार जल्दी से मेथड नाइन ई और ये सेम सवाल भी करा चुका मेरे हिसाब से नाइन ई और फोर ई आर दूरी पर स्थित है एक अन्य आवेश Q तो मैंने माना था यहाँ से d दूरी पर रखा जाए Q तो ये टोटल दूरी हो जाएगी r माइनस डी और यह संतुलन की अवस्था मतलब इस पर टोटल बल जो है Q पे जीरो होना चाहिए तो मैं इसको लिखूँगा F1 का मॉड बराबर F2 का मॉड इस पर बल कितना लगेगा के क्यू नौ ई बट्टा डी का स्क्वायर के क्यू चार ई बट्टा आर माइनस डी का स्क्वायर और फिर इसको आप हल करोगे मान रखे और आपको डी का मान निकालना है और आपका मान आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है चलते हैं आगे ये सवाल मैं क्लास में करा चुका हूँ पीछे के क्वेश्चन देखना तो वहाँ से पता चल जाएगा इसी टाइप का सवाल हर एक सवाल ठीक है दो क्यू परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर आठ दूरी पर रखे हैं उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्यू परिमाण परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है इस मान व प्रकृति क्या हो कि संपूर्ण निकाय अधिकतम संतुलन में हो तो प्रकृति पूछिए मैंने देखो मैंने आपको जब करवाया था तब भी मैंने कहा था कि रखा हुआ आवेश संतुलन में हो तो उसी पर दोनों के कारण बल निकालना है ठीक है और जब निकाय संतुलन की अवस्था में हो तो किसी एक कॉर्नर वाले पे बल जो है वो शून्य करना है आ, कुल बल शून्य करना है ऐसा मैंने बताया था इसको अपन कर लेते हैं ये मैंने बताया था कि ऐसा सवाल भी आता है इसमें क्या बोला निकाय अधिकतम संतुलन में हो इसका मतलब है किनारे वाले आवेश पर किनारे वाले पर बल क्या होना चाहिए कुल बल जीरो होना चाहिए तो चित्र बनाए ये क्यू ये क्यू और दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर दोनों के मध्य बिंदु मध्य बिंदु पर रख दिया आवेश क्यू इसका मान प्रकृति क्या हो कि संतुलन की अवस्था में हो तो इसके लिए अपन क्या करेंगे इसको आर बाई मान लेंगे इसको आर बाई मान लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है अब अपन करेंगे कुल बल जीरो तो देखो एफ वन प्लस एफ टू दोनों बलों का सदिश योग जीरो किस पर इस पर इस पर इसके कारण बल और इसका इस पर इसके कारण बल क्योंकि दिशा तो मैं ले नहीं रहा और मुझे पता है कि देखो ध्यान से ध्यान से देखो मुझे प्रकृति पता चल गई ये क्यों है ये क्यों है निकाय संतुलन मतलब कॉर्नर वाले पे चेक करना है तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा तो इसके कारण निश्चित रूप से इधर रखना चाहिए और इसके कारण इधर कब लगेगा जब ये नेगेटिव होगा सौ बात इसके कारण जब प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है तो दूसरा जो आवेश रखा हो उसके कारण प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल इधर लगना चाहिए तभी तो बैलेंस होके इस पर कुल बल जीरो होगा और ये संतुलन पे होगा तो निश्चित रूप से क्यू जो रखा हुआ है वो नेगेटिव होगा पहले से पता है ठीक है अब आ जाए दोनों का योग कितना होना चाहिए जीरो तो मैंने इसके कारण दोनों बल निकाले के इस वाले के कारण क्यू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस दूसरा बल कितना के क्यू क्यू बट्टा आर बट्टा दो का स्क्वायर आधे का स्क्वायर होगा जीरो बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा तो यह आ जाएगा के क्यू से के क्यू गया क्यू बट्टा आर स्क्वायर बराबर माइनस का क्यू आर स्क्वायर बाय फोर तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो Q बराबर माइनस का फोर क्यू और Q कितना हुआ माइनस का Q बाय फोर तो ये आवेश जो रखा जाएगा वो कितना होगा माइनस का Q बाय फोर होगा तभी निकाय संतुलन की अवस्था में आएगा तो माइनस आवेश आ गया मान और प्रकृति बतानी थी अपने मान और प्रकृति बता दी क्लियर चार समान आवेश प्रत्येक का मान इतना है एक्स अक्ष पर स्थित है ये क्रमशः जीरो दो चार छः आठ मीटर की दूरी पर स्थित है दो सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो बाकी सभी के कारण अरे आप जब किताब के सवाल करके भी चले जाओगे ना मैं कह रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको चिंता करने की बात ही नहीं इसको आप चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ फिर मैं ही इसको हल करवाऊँगा कहा कि चार समान आवेश प्रत्येक दो माइक्रोकलोम एक्स एक्स पर जीरो पर दो सेंटीमीटर पर चार सेंटीमीटर पर और आठ सेंटीमीटर पर रखे हैं इस तरह से मान लो ठीक है जीरो पर दो सेंटीमीटर पर चार सेंटीमीटर पर और आठ सेंटीमीटर पर रखे हैं और सभी के मान कितने है? क्यू है और क्यू बराबर कितना है दो है दो है दो सेंटीमीटर पर रखा है इसके कारण कुल बल निकालना है इसके कारण कुल बल कितनी देर हो गया तो दो मिनट की क्लास शेष है इस इसमें यह सवाल कर लेते हैं अगला अगली कक्षा में करेंगे तो देखो इस दो सेंटीमीटर पर कुल बल निकालना है तो देखो सीधी सी बात है कि ये आवेश इस पर बल लगाएगा इधर और ये दोनों आवेश मिलकर बल लगाएंगे इधर ठीक है तो करते हैं अपन पहले इस मूल बिंदु वाले पिक के कारण बल निकालते हैं तो पहले मैं निकालता हूँ F1 F1 कितना होगा इधर होगा ये हो जाएगा के तो के सीधा मैं सीधा सूत्र लिखता हूँ के क्यू क्यू के क्यू क्यू, क्यू, क्यू बट्टा दोनों के बीच की दूरी कितनी है दो सेंटीमीटर अरे तो यह हो गया K, Q, Q के क्यू क्यू बट्टा दोनों के बीच की दूरी दो सेंटीमीटर दो सेंटी का स्क्वायर तो ये आ गया एफ वन जो किस और आया इस और तो हम इसको बोल सकते हैं आई कैप ठीक है अब बाकी वाले दोनों करंट बल निकालो तो इन दोनों के बीच की भी दूरी दो है तो देखो एफ टू जो बल होगा वो कितना होगा नौ इंटू दस की घात नौ कितना होगा क्यू इंटू क्यू बट्टा दोनों के बीच की दूरी अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है यहाँ जीरो से दो दो है तो दो से चार भी कितनी है दो तो दो लेकिन इसकी दूरी इसका क्या दिशा क्या है माइनस आई तीसरा अब ये बल प्रतिकर्षण लगाएगा इसका तो मैं एफ थ्री लिखूंगा एफ थ्री कितना है नौ इंटू दस की घात नौ क्यू इंटू क्यू इन दोनों के बीच में सिर्फ इस पे पता करना है सारा ध्यान रखना इसके कारण इस पे बल लगेगा तो कितना लगेगा अब कितनी दूरी है छः तो छः इंटू दस की घात माइनस दो का स्क्वायर और ये लगेगा ये भी माइनस आई कैप तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे जब इन तीनों को जोड़ेंगे कुल बल की बात करेंगे तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री जब तीनों को जोड़ेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है एफ वन और एफ टू कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि समान और विपरीत दिशा में बचेगा सिर्फ F3 और F3 का मान कितना हो जाएगा 9 इंटू दस की घात 9 Q का स्क्वायर भट्टा क्यूँ का मान भी रख देता हूं मैं Q है क्यों कितना दो माइक्रो माइक्रोकुल क्योंकि बाकी तो कट गया तो मुझे मतलब ही नहीं था तो क्यू का स्क्वायर मतलब दो इंटू दस की बात माइनस छः का स्क्वायर बट्टा छः छत्तीस इंटू दस की बात माइनस चार फिर से कंटिन्यू किया चार इंटू दस की बात माइनस अब देखो माइनस छः माइनस छः तो ये कितना हो जाएगा माइनस बारह बट्टा छत्तीस इंटू दस की गात तो माइनस चार अब काटा काटी करो भाई ये हो गया चार ये हो गया टक और ये हो गया टक माइनस आठ बचा कितना दस बचा कितना दस तो टोटल बल कितना लगेगा दस न्यूटन कितना लगेगा भाई दस न्यूटन लगेगा प्यारे बच्चों जहाँ तक मेरे को ध्यान है आप चेक कर लीजिए तो आंसर आएगा दस न्यूटन और दस न्यूटन के साथ दिशा कौन सी है तो माइनस आई कैप दिशा भी ध्यान रखना तो 10 न्यूटन माइनस आई कैप 10 न्यूटन माइनस आई कैप या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बल जो लगेगा माइनस टेन आई कैप न्यूटन ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी लिखो ठीक है तो आपका आंसर आ गया माइनस क्यों क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है ये दिशा माइनस आई होती है और ये दिशा होती है प्लस आई कैप ठीक है इसी के साथ आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त करेंगे तो इसी तरह अपन उदाहरण अपन देख रहे हैं और अगर आपने उदाहरण कर लिए तो किताब के पीछे के सारे सवाल हो जाएंगे तो उदाहरण को भली भांति देखो गौर से देखो और इसको समझने की कोशिश करो क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में और कंपटीशन में न्यूमेरिकल अवश्य आते हैं और अगर आपने न्यूमेरिकल पर अच्छी प्रैक्टिस की तो मैं गारंटी देता हूँ फिजिक्स आपको फील होने लग जाएगी एहसास होने लग गए मज़ा आने लगेगा फिजिक्स में ठीक है तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद